शक्ति कुमार का जो कैरेक्टर है उसमें आपको बहुत सारे लोगों की झलक दिखेगी जी। कोई एक इंसान पर बेस नहीं है, वो किसी भी एक इंसान पर बेस नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि आज की डेट में हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन एक्टर ज़ायरा, शी इज द बेस्ट एक्ट्रेस दैट वी हैव इन द फिल्म, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। आई नो लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस विल बी वेरी अपसेट विद मी हाउ आई एम प्लेस्ड इन माई स्टारडम विज़ावी माई फ्रेंड्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट। माई फ्रेंड्स आर माई फ्रेंड्स, माई स्टारडम इज सेपरेट। Hi, this is Aamir and you're watching Bollywood Hungama. Now, there is this conjecture as well that apparently your character is based on Nadeem Saifi of Nadeem Shravan. No, actually, Shakti Kumar ka jo character hai, usme aapko bahut sare logon ki jhalak dikhegi. Ji. Koi ek insaan par based nahi hai wo. Kisi bhi ek insaan par based nahi hai. ना आई थिंक अद्वैत के मन में ऐसा था जब वो लिख रहा था, और ना जब हमने उसको एग्जीक्यूट किया उस वक्त भी हमारे कोई एक रियल पर्सनैलिटी हमारे मन में नहीं थी। हम वो एक काल्पनिक कैरेक्टर बना रहे हैं, उसमें शायद आपको अलग अलग लोगों की झलक शायद दिखे, बट बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ओके, एंड यू हैव दिस डायलॉग दैट तुम जैसे टैलेंटेड बच्चे हैं ना वो सोडे में बबल्स की तरह होते हैं, वो ऐसे ही ऊपर आते हैं। तुम जैसे टैलेंट बच्चे होते हैं ना सोडे में इस बबल्स की तरह होते हैं, वो ऐसे ही ऊपर आते अपने आप, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। Now Advait told me that that apparently this line was written by you. I know. Actually, what happened is that मैं तो भूल गया था। जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी तो मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी। मैंने बोला यार बड़ी अच्छी लाइन लिखी तूने। तो he said नहीं ये सर आपकी लाइन है। तो मैंने बोला मैंने कब ये आपको लाइन दी है? He said नहीं आपने लाइन नहीं दी, आप एक्चुअली रियल लाइफ में हुआ था ये। वन आई वाज शूटिंग समवेयर और अद्वैत वाज माय मैनेजर दैट टाइम। तो कोई मुझसे मिलने आया था और वो बोल रहा था यार मेरा बेटे उसको जरा समझाओ, वो थोड़ा सा अच्छा पढ़ेगा, ये करेगा वो करेगा, यू विल टेल हिम देन ही विल स्टडी हार्ड। तो आई वाज ट्राइंग टू टेल द फादर कि डोंट प्रेशराइज हिम सो मच, ही विल डू वेल इन लाइफ, डोंट वरी। तो आई टोल्ड हिम बच्चे जो होते हैं ना दे आर लाइक दीज बबल्स। मैं वो टाइम पे कोक पी रहा था, ऐसे ये कोक में जो बबल्स है ना ऐसे होते हैं बच्चे, वो अपने आप ऊपर आते हैं, आप इतना टेंशन मत लो जी। ऐसे करके मैंने उसको बताया बच्चे को और बाप को कि आप इतना टेंशन मत लो, लाइफ में सब ठीक होगा, एंजॉय लाइफ। तो वो लाइन उसने पकड़ ली थी, मैं तो भूल गया था। सो ही पुट इट इन द फिल्म। वन क्वेश्चन दैट आई हैड फॉर यू वाज यू नो आई हैव इंटरेक्टेड विद फातिमा सानिया एज़ वेल एज़ Zaira recently as well. Even other people who have worked with you with beat Kunal, I think Kunal, you quite close to Kunal as well. Now somehow they tend to, when they talk about you, they tend to talk about in a very informal manner. And as if many times stars, they don't just let their people around them to maybe talk about them informally or in a casual manner. So, but somehow they seem to be very comfortable around you. Yeah. And yeah. They end up talking about as if you're their friend or their buddy. Where does that stem from? That you... But I am their friend. Matlab, I see stardom and all is one thing. I don't take it too seriously. I mean, ultimately, whether it's Kunal, whether it's Sharman, Mandy, we are all friends. How I am placed in my stardom vis-a-vis my friends is not important. My friends are my friends. My stardom is separate. My stardom is for my profession, for my work, for my audience. But for my friends, I'm Aamir, and that's how I would like them to behave with me. No special treatment for me, and I also not to give them any special treatment. We should be friends. Right. There's all equality, whether it's Zaira, Fatima, Sania, or Advait, you know, Kunnu, Sharman, all the people I'm close to. Right. There's never a hierarchy. Okay, and how to look at this entire evolution of Zaira? She's won national award for Dangal, and I think she's an absolute volcano as far as an actor is concerned, and still so young. Yeah, Zaira is a very gifted actor. बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आज के डेट में हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन एक्टर ज़ायरा, शी इज द बेस्ट एक्ट्रेस दैट वी हैव इन द फिल्म, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। आई नो लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस विल बी वेरी अपसेट विद मी। दैट्स अ बिग स्टेटमेंट। इट्स अ बिग स्टेटमेंट एंड आई एम मेकिंग दैट बिग स्टेटमेंट। सांस लेने तक को अलाउड नहीं हमें। अरे तेरे अप्पा जैसे भी हैं, मेरे शौहर हैं और तेरे गुड्डू के अब्बा हैं, पर हमारा सिंगर बनने का सपना तो कम...
कभी पूरा नहीं हो पाएगा ना। That she's the best actor. Best actor. She's the best actress today. In today's time, she's the best actress in the Hindi film industry. She's unbelievable. Absolutely unbelievable. And very honest as a performer and very, you know, she just hits the right note. She बहुत बेहतरीन काम करती है वो और वो एक gifted actor है वो उस वो ऊपर वाले की देन है उस पे. And she's really amazing. और ये उसकी दूसरी फिल्म है मतलब हम अब तो और आगे जाएगी वो एंड आई होप के वो अपना करियर में और अच्छा काम करें एंड यू नो शी कैन बी अ बिग एसेट टू द इंडस्ट्री शी इज वेरी टैलेंटेड इन फैक्ट अद्वैत सेड दैट दैट द बेस्ट पार्ट इज दैट शी डज नॉट एक्ट इफ शी हैज टू क्राई शी एक्चुअली डज दैट या व्हिच इज व्हिच मेक्स इट वेरी वेरी बिलीवेबल एंड या वन कैन रिलेट नो शी डज इट फ्रॉम द हार्ट व्हाटएवर द सीन इज शी डज फ्रॉम द हार्ट एंड दैट्स हाउ यू नो गुड एक्टर्स शुड बी Hi, this is Aamir and you're watching Bollywood Hungama.